मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के बारे में सूचना प्रदान की गई है। कोविड 19 से संबंधित मरीजों हेतु भर्ती के लिए अस्पतालों की सूचना दी गई है। जानिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहां मिलेगा मथुरा में रेमडेसिविर इंजेक्शन और कोविड 19 हेतु मरीज किस अस्पताल में भर्ती किए जाएंगे। कोविड के मरीजों के लिए हमारे यहाँ दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वेडी मेडिकल कॉलेज और केएम मेडिकल कॉलेज, और सरकारी अस्पताल है सौ सैया वृंदावन। इन तीनों अस्पतालों में मरीज से कोई फीस नहीं ली जाती है, इनका खर्चा सरकार स्वयं वहन करती है। इसके अलावा जनपद में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां मरीज पेमेंट देके भर्ती हो सकता है। ये अस्पताल है नैती अस्पताल, आर के मिशन अस्पताल और मोहिनी जगदीश हॉस्पिटल, ब्रिज हेल्थ केयर और अग्रवाल लाइफलाइन केयर। इनमें मरीज ये प्राइवेट फैसिलिटी हैं, ये पेमेंट बेसिस पर भर्ती होते हैं इसमें मरीज, और इनके चार्ज भी सरकार द्वारा तय हैं पहले से ही, और उन्हीं उतने ही चार्जेज में उनको प्राइवेट अस्पतालों को अपनी सेवाएं देनी होती। मरीजों, आम जनमानस से मेरा अनुरोध है कि ये लोग समय से भर्ती हों, घर में अपनी जांच करते रहें, बुखार वगैरह नापते रहें, जो दवाई मेडिसिन किट दी जा रही है वो दवाई लेते रहें, और पल्स ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन की जांच करते रहें। इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर, या अगर मरीज कुछ कोई साथ में कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो वो तुरंत अस्पताल में भर्ती हों। इसमें इन कंडीशन में मरीज को अस्पताल में जल्दी भर्ती होना चाहिए। अगर देर हो जाती है, मरीज का ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा गिरने लग जाता है या फिर और कोई परेशानी पैदा हो जाती है, तो फिर मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। अतः मेरी यही सलाह है कि मरीज इसमें समय रहते जल्दी भर्ती हों, खासतौर से जिन मरीजों को पहले से बीमारी है, किडनी की बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, या किसी वजह से कोई किसी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है, जो स्टीरॉयड दवाओं का सेवन कर रहे हैं। इस तरह के मरीजों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, इनको अपना खास ख्याल रखना चाहिए और इनको जल्दी भर्ती होना चाहिए। हमारे यहाँ मथुरा जनपद में रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो मेरी जनमानस से अपील है कि हमारे यहाँ CMO ऑफिस के स्टोर में 1800 रुपये प्रति इंजेक्शन देकर रेमडेसिविर प्राप्त की जा सकती है। लेकिन रेमडेसिविर उन्हीं लोगों को प्राप्त होगी जो कि किसी जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड अस्पताल हैं उसमें भर्ती हों, उन्हीं लोगों को रेमडेसिविर दी जाएगी। और इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण, डॉक्टर का पर्चा, आधार और उनके सैंपल की पॉजिटिव रिपोर्ट, इन चार प्रपत्रों की आवश्यकता है। ये पेपर्स लेके कोई भी 1800 रुपये पेमेंट करके हमारे CMO ऑफिस के स्टोर से रेमडेसिविर प्राप्त कर सकते हैं। और KD मेडिकल कॉलेज और KM मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ से रेमडेसिविर मुफ्त में दिए जाते हैं, जो कि हमारी सरकार हमें देती है, और वो मेडिकल कॉलेजों के लिए होते हैं, और वहाँ जो भी मरीज भर्ती हैं उनको मुफ्त रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनको किसी तरह